हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9 कुंदन विद्या मंदिर सिविल लाइंस लुधियाना से मैं अनिरुद्ध गुप्ता। आज के इस मुश्किल समय में जो एक चीज़ मुझे उम्मीद देती है वो है हमारी एकता। चंद एक लापरवाह लोगों पर बात ना करके बात करते हैं उन 99% लोगों की जो आज के समय में एक हो गए हैं। उम्मीद जगाती है हर वो भावना जो आज केवल एक भारतवासी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग एक दूसरे के प्रति दिखा रहे हैं। आज जब हम इकट्ठा होकर एक डॉक्टर का तालियां बजाकर सम्मान करते हैं तो हजारों डॉक्टर जैसे कोरोना से लड़ने के लिए दोबारा चार्ज हो जाते हैं। आज जब हम इकट्ठे होकर एक एएसआई हरजीत सिंह को सम्मान देते हैं तो हर पुलिस वाला अपने अंदर एक नई ऊर्जा को महसूस करता है। और असल में ये सम्मान केवल एक हरजीत सिंह का नहीं बल्कि हर उस वर्दीधारी का है जो सीना ताने सड़क पर खड़ा है और कोरोना से कहता है, तुझे मेरे देशवासियों तक पहुंचने से पहले मुझसे टक्कर लेनी होगी। ये सम्मान है हर उस डॉक्टर का, हर उस नर्स का जो अपने घरों को छोड़कर हमारे घरों को बचाने में लगे हैं। ये सम्मान है हर उस मांग का जिसने अपने सिंदूर को इस मुश्किल समय में भी हमारे घरों का कूड़ा इकट्ठा करने भेज रखा है। ये सम्मान है हर उस बच्चे का जो कहता है, पापा अब देश की सेवा में जाओ, मैं मम्मी के साथ अकेला रह लूंगा। ये सम्मान है हर उस टीचर का जो घंटों फोन में सिर्फ इसलिए लगा रहता है ताकि उसके स्टूडेंट्स की पढ़ाई ना रुके। ये सम्मान है हर उस कोशिश का जो पूरी दुनिया को घर बैठे जीवन जीने के सभी साधन उपलब्ध करवा रही है। और मेरी भावना ये कहती है कि एक दूसरे को सम्मान देना, एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझना और इस समय हमारी एकता की समझ और ये कलेक्टिव एफर्ट्स ही एकमात्र उम्मीद है। एंड फ्रेंड्स, टुगेदर वी कैन एंड वी विल मेक अ डिफरेंस। थैंक यू, गुड लक।